रहा था कि हम आप सब अलग अलग रूप से जो तितली की फैमिली में हो रहा है हम सब झेल चुके हैं. एक इंसान इस रूम में ऐसा नहीं है जो कभी ना कभी उस मुकाम से नहीं गुजरा होगा कि उसको लगे कि यार ये क्या फैमिली, यू नो. तो ये जो एक, लेकिन साथ साथ वो प्यार भी, दैट्स व्हाट. ऑफ कोर्स तितली में थोड़े मतलब इट्स नॉट नॉट टू से कि आपके मतलब फैमिली भी क्राइम में है, बट पॉइंट इज कि वो एक्सट्रीम्स में आपको टू टू इवोक दैट फीलिंग, टू अंडरस्टैंड दैट थोड़ा एक्सट्रीम्स लिए गए. बट आपने जो आपके सवाल से इतना बड़ा शुरू हुआ है सेशन, कि द पॉइंट बीइंग कि फैमिली, हर फैमिली फैमिली नहीं होती, मीनिंग कि द कोर इमोशंस यू वंडर कि इज दिस व्हाट फैमिली सपोज टू बी. बाय द वे ये जो क्राइम है ये तितली के फैमिली के लिए क्राइम नहीं है. पापा ने तो बोला है अच्छे से बेटे जाके काम करो फिर हम वैष्णो देवी जाते हैं, और वो काम क्या है वो आपने देखा है. तो फॉर तितली फैमिली इज नॉट अ क्राइम, वो तो धंधा. हाय दिबाकर, आलोक हियर. मेरा सवाल आपसे है कि फिल्म का नाम तितली, क्या ये लड़के का नाम तितली है या क्यों पड़ा हुआ है? जो ये नाम लेके पैदा हुआ है और जिसकी बदकिस्मती है कि उसके ऊपर ये फिल्म बन रही है, मैं उसी को माइक देता हूँ, वो आपको बताएगा. जी मैं उसमें तितली का किरदार निभा रहा हूँ. एंड जैसे रणवीर ने कहा, मैंने बचपन से थैंकफुली मैं पेटा नहीं हूँ और मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, पर इस सपोर्ट के पीछे भी मतलब बीच में बहुत चीजें अनकहीं रह जाती हैं. इंडियन फैमिलीज में जरूरी बातें नहीं होती हैं बिल्कुल भी. जो दिल में तुम कुछ कहना चाहते हो, चाहे गर्लफ्रेंड की बात हो चाहे कुछ हो, इंडियन फैमिलीज कम्युनिकेट नहीं कर पाती. और मैंने भी खुद ये रिलेट किया, चाहे बहुत प्यार मिला मुझे बचपन में, मैंने ना ही बहुत थप्पड़ खाए हैं, बहन से बहुत खाए होंगे पर माँ पिता से नहीं खाए. तो ये जो सब्जेक्ट मैटर था फिल्म का, मैंने इसलिए रिलेट किया इससे क्योंकि मैं भी इन चीजों से बीत चुका हूँ और ये बहुत चीजें मेरे मन में चलती हैं परिवार के बारे में. माँ बाप से जो नहीं खाए वो हमने पूरे कर दिए. मैंने आपको हम लाइव डेमोंस्ट्रेशन दे देते हैं यहाँ पे. बिल्कुल नहीं, सवाल ये था कि आपका नाम तितली, आपका नाम तितली कैसे पड़ा? मेरा ये अगर पिताजी भी चाहे तो बता सकते हैं. तितली नाम रखने का एज राइटर्स रीजन यही था कि फिल्म काफी हद तक पेट्रियार्की के बारे में बात कर रही थी और वायलेंस के बारे में बात कर रही थी. तो जाहिर है जब हम कैरेक्टर लिख रहे थे हम ये सोच रहे थे कि एक लड़का है जो अपने परिवार से भागना चाहता है, बड़ा भाई है, परेशान है बहुत हद तक और उससे भागना चाहता है, और फिल्म पेट्रियार्की के बारे में बात करने जा रही है. तो एक तरह से ये एक कमिंग ऑफ एज फिल्म भी थी, एक तरह से एक फिल्म थी इसके अपने में, तितली के कैरेक्टर के अपने आप में आने की. दूसरा ये था कि एक फेमिनिन नाम हमें सही लग ही रहा था बाय द साउंड ऑफ इट, क्योंकि एक तरह से वो एक तितली की तरह उड़ने वाला था शायद. तो ये एक दो रीजंस राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये थे जहां एक पॉइंट पे हमको सही लगा कि इस कैरेक्टर का नाम तितली ही हो सकता है या फेमिनिन ही होना चाहिए. बाकी स्क्रिप्ट की माइथोलॉजी के अंदर कहानी है कि तितली की जो माँ थी उसके दो बेटे हुए और उसके बाद बेटी का इंतजार कर रही थी, बेटी कभी हुई नहीं, तो बेटी नहीं हुई तो तितली का नाम ही तितली रख दिया. अच्छा मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा अपने पर्सनल उससे कि एक मेरे दोस्त हैं उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा है जादू. समझ रहे हैं आप? तो प्यार से कुछ भी नाम रखा जा सकता है. और फिर वो प्यार से रखे हुए नाम को दबाते दबाते उम्र गुजर जाती है. जैसे मेरी, मेरा एक पेट नेम है जो कि मैं बिल्कुल 20 साल से दफना चुका हूं उसको, तो वो बता नहीं सब. मैं कह रहा हूँ दफना चुका हूँ, आप कह रहे हैं बता दीजिए. आज बता दीजिए, आज खोल ही दो. सो पॉइंट फैमिली का राज रणवीर बोल रही है. आज रणवीर क्या ये राज मेरे साथ ही जाएगा. मैं आई कैन टेक अ गेस. पोंदू नॉर्थ में होता है वैसे. नॉर्थ में अचानक पिताजी बुलाते हैं, लवली ओए और लवली, फिर एक 6 फुट का एक बहुत बड़ा एक लड़का सीढ़ी से नीचे होता. हमारे नेबर्स थे जिनके दो भाई थे, कजन्स, जिनके एक्चुअली नाम थे पोसू एंड पादू. और डोंट प्लीज डोंट, मैंने गलती करके एक दिन उनकी मम्मी से पूछ लिया, आंटी इनके नाम आपने ये क्यों रखे हैं? एंड यू कैन बी श्योर कि स्टोरी वही थी जो आपको नाम से लग रहा है. नामकरण का एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि हम लोग छोटे छोटे थे तो गोमती एक्सप्रेस में हम लोग कानपुर से दिल्ली जा रहे थे. मेरा नाम नवीन था और मेरे छोटे भाई का नाम सचिन था. तो मेरी माँ ने किसी और लेडी को सुना वहां पे, अमित सुमित ऐसे करते हो, तो उनको ये ना बड़ा अच्छा लगा कॉम्बिनेशन, अमित सुमित अमित सुमित. तो उन्होंने ट्रेन में ही नाम बदल दिया हमारा. तो हम लोग कानपुर से चले और हम अमित सुमित थे और हाईली कंफ्यूज थे एक साल तक. तो
तो नाम तो कुछ भी हो सकता है. रणवीर, ट्रेलर में एक लाइन है कि शादी भी फैमिली प्लान से होती है, तो इस प्रथा में आप कितना बिलीव करते हैं और आप क्या अपनी लाइफ में कंटिन्यू करना चाहेंगे आप इसे? मैं सवाल नहीं समझा, क्या फैमिली प्लानिंग? शादी भी फैमिली प्लान से होती है, ये ट्रेलर में एक लाइन है. हाँ. तो आप इस प्रथा में कितना बिलीव करते हैं? देखिए, वो उन्होंने कोलोकियल लैंग्वेज यूज की है कि फैमिली प्लानिंग से होती है, यानी कि जो फैमिली चाहती है आपकी शादी उस हिसाब से होती है. क्या ये आप पूछ रहे हैं? क्या मैं ये चाहता हूँ, मैं मानता हूँ? नहीं, ऑब्वियसली नहीं सर. मैं मेरी शादी, मेरी अरेंज मैरिज नहीं हुई, मेरे भाइयों की थी दोनों की, बट मेरी अरेंज मैरिज नहीं थी. सो ऑब्वियसली मैं इस तरह की फैमिली प्लानिंग में नहीं बिलीव करता, लेकिन हाँ, हम दो, हमारे एक या दो में मैं बिलीव करता हूँ. रणवीर, कंटिन्यूइंग ऑन दैट क्वेश्चन, डू यू स्टिल बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज? Yes, I take it this is about our recent announcement for my separation. So, but I don't blame the institution of marriage for anything. I blame myself for that. I don't think the institution of marriage has anything to do with that. Dibakar, tell us about I believe in the institution of marriage. I have a different question for you. Tell us about the problems that you faced from the censor board in getting this film passed, and how many cuts have been enforced by them. Actually, we did not face any problems in the beginning when we screened it for the censor committee. It's a slightly anticlimactic experience. Kanu and I were there for the first committee hearing, and they hadn't cut a single second of the whole film, and we were very overjoyed. But they had said that because of the strong language being used, we will leave it to the chairman's discretion as to what's to be done. Then I think we waited to be called by the chairman for a long time, and we were slightly hazy about the procedure. We couldn't understand what was happening, and then I think the chairman called us after about 2 weeks. Two weeks, and then he recommended that because of the strong language in the film, we go in for a revision committee. We went for a revision committee. The revision committee actually passed the film without any dilution of the strong language, except for three scenes. Yeah, two and a half scenes. Yeah, three scenes where they said that the repetition of the strong language should be reduced to 50%, something like that. So we did that, and we were quite happy that it would go like that, because the film wasn't touched at all. But after that, how much time elapsed? Another couple of weeks. Maybe more. I think about a month. After that, we were still not getting our certificate for about a month. And then we requested the censor board and the chairman to sort of look into our matter. Then we went there and met the chairman again. And the chairman looked at the revision committee's, revising committee's recommendations, and said that because of some, what was the reason? Because of some procedural thing. The whole 50% issue. The chairman actually could not agree with the revising committee's recommendation because of some technical problem where the revising committee had said according to the guidelines. Now, apparently the guidelines say something else. So we were further confused. We went back and looked at the guidelines. We couldn't understand which guidelines we're talking about. Then again, we met the chairman. And then the chairman told us to sort of, reduce the strong language in all the other scenes. And correct. That's what he said. Yeah. So then we had to reduce the strong language in some other scenes as well. And after that, there was another period of waiting, and then we got the censor. So we've been left slightly confused with the whole process. But thankfully, the film hasn't been hurt at all. So that was our experience. And later on, we were told that apparently the recommendations of the revision committee cannot be superseded by anybody else, even if it's the chairman. But we are not the legal authority on these, because we make films. And you might think that we know about censor laws deeply or whatever it is, but it's not so. Because the laws are so intricate and so bureaucratic that we can't understand what they are. So sometimes koi kuch kehta hai to hum wo maan lete hain, uske baad koi aur kuch kehta hai to hum wo maan lete hain. So we've told you the sum total of our experience, now you make the sense of it.
Dibakar, hi. The protagonist, okay, here, to your left, hi. The protagonist in your film is, like Kanu said, trying to escape a violent and patriarchal society. So do you think he stands for the young Indian man, or do you think this is a film that's going to resonate more in B and C centers? I think, first of all, he stands for Kanu, because he's been, I mean, during the making of the film, I realized I got phone calls from the crew ke ye Kanu na Shashank ko Kanu bana raha hai. Kyunki Kanu ki umar zyada hai, uski wo acting wali shakal nahi hai, isliye usne Shashank ko liya aur usko apne image mein pura bana ke फिर उसको डाल रहा है फिर अपने पिताजी को भी कास्ट कर दिया एज हिज पिताजी सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टैंड्स फॉर कनु नाउ व्हाई दैट यू हैव टू आस्क कनु सेकेंडली आई थिंक एनी फैमिली फ्रॉम दिल्ली टू कानपुर टू ब्यूनस एयरेस टू बर्लिन टू नैरोबी टू जकार्ता कैन गेट दिस फिल्म आई हैव पर्सनली सीन प्रूफ टू दिस फैक्ट I think family is the most fundamental unit of society that is known to society mein apne hi kuch chalte rehte hain atkalein chalti rehti hain so aur wo atkale bhi hum sab jante hain baap england mein bhi baap hai hindustan mein bhi baap hai north pole mein bhi baap hai beta beta hi hota hai har jagah so that and family biwi daughter in law pure world mein ek hai maine sab jagah thoda sa ghoom ke dekh liya it's not so everybody should get this एक मिनट आई जस्ट वॉन्ट टू लेट कनु फिनिश द क्वेश्चन कि इसको क्यों चुना अगर खुद क्यों नहीं एक्टिंग की